नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम आपको पश्चिमी यूपी के एक ऐसे गैंगस्टर के बारे में बताना चाहेंगे जिसका नाम है नदीम उर्फ बिल्लू सांडा। मर्डर करने का शौकीन बिल्लू सांडा संजय दत्त को अपना माई बाप मानता है। सहारनपुर के मंडी कोतावली क्षेत्र के 62 फुटा रोड निवासी नदीम उर्फ बिल्लू सांडा पर 3 हत्याओं सहित लूट, डकैती और रंगदारी मांगने के 16 मुकदमे दर्ज हैं। बेहद मजाकिया स्वभाव वाला ये खतरनाक गैंगस्टर, जिसको देखकर लगता ही नहीं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, उसकी इसी अदा पर लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं। वो खुद को संजय दत्त की फिल्म खलनायक का खलनायक समझता है। 15,000 के इस इनामी बदमाश को हत्या करने में बड़ा ही मजा आता है। एक इंटरव्यू में उसने पुलिस के सामने बेखौफ होकर बताया था कि मुझे मर्डर करने का शौक है। मेरी माँ कहती है कि जितनी मर्जी हत्या कर, लेकिन हमेशा कोर्ट में पेश हो जाया कर। ये बात सुन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद मीडिया कर्मियों तक के होश उड़ गए थे। इस वीडियो में जब एक पत्रकार ने सवाल किया कि किसको देखकर तुमने हत्या करने की सोची, तो सांडा ने जवाब दिया, जी खलनायक। उसने कहा, जी संजय दत्त ही हूं मैं। बिल्लू सांडा की एक खासियत और है कि वो हिरासत के में जाने के बाद जेल में ऐलान कर देता है कि वो इस दिन भाग जाएगा, और इसी दिन वो भागता भी है। बिल्कुल खलनायक फिल्म के बल्लू बलराम यानी कि संजय दत्त की ही तरह। वे खुद को बल्लू ही कहता है, यानी अगर वो कह दे कि 10 तारीख की रात को वो जेल से फरार हो जाएगा, तो समझ लीजिए जेलर के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि वो अपनी बात का बिल्कुल पक्का है। आपको बता दें, बिल्लू के पिता भी बदमाश थे। ऐसा कहा जाता है कि बिल्लू की जब किसी ने जमानत नहीं दी, तो वो खुद ही जनवरी 2017 के दिन फरार हो गया था। लेकिन एक जानकारी ये भी है कि कुतुबशहर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद सबदलपुर तिराहे के पास से सदर हवालात में बिल्लू को रखा और वो वहां से फरार हो गया। उसके साथ साथ 4 अन्य कैदी भी फरार हो गए थे। नदीम बिल्लू उर्फ सांडा अपने डायलॉग से अखी बॉलीवुड का तेल निकाल देता है। बताया जाता है कि सांडा को बचपन से ही मर्डर का शौक है, और 4 जनवरी 2017 को पुलिस उसे सहारनपुर कोर्ट में पेश करने जा रही थी, लेकिन पेशी से पहले ही सांडा किसी फिल्मी स्टाइल में फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसको दबोचने का प्लान बनाया, सर्विलांस लगाया और सबदलपुर तिराहे पर उसे धर दबोचा। वहां सांडा मर्डर करने के जुगाड़ में था। उसे एक बिजनेसमैन से 20 लाख रुपए की रंगदारी वसूलनी थी। उसने कबूला की अगर वो पैसे नहीं देता तो आज वो उसको खल्लासी कर देता। सांडा के बारे में SSP भरत सिंह ने एक बार बताया था कि सांडा बाबू की सुरक्षा और कड़ी होगी, CCTV भी लगेंगे। उन्होंने बताया कि सांडा भाई को खलनायक बनने का चस्का संजय दत्त वाली खलनायक देखने के बाद लगा। एक वीडियो में उसने ये भी कबूल किया था, उसने ये भी बताया कि उसका सपना पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नाम पैदा करना है। बताया ये भी जाता है कि उसके वादे और इरादे सुनकर पुलिस भी चकरा जाती है। वह जिस जेल में जाता है वहां के प्रशासन की नींद हराम रहती है। तो दोस्तों, यूपी के इस खलनायक गैंगस्टर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें जरूर कमेंट करें। साथ ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।